Good morning, students. Now the next chapter of English is Are You a Die Kid? Chapter for English subject is Are You a Die Kid? Die Kid क्या होता है? बच्चों Die Kid किसे कहते हैं? मालूम है? Die यानी DIY, Die यानी Do It Yourself, Do It Yourself यानी खुद से करो, खुद का काम खुद से करो, कुछ भी हो वो आपको खुद से करना है, खुद का काम खुद से करना है। तो क्या आप वैसे बच्चे हैं जो अपना खुद का काम खुद से करते हैं या दूसरों पे डिपेंड है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी हर छोटी छोटी चीज के लिए मम्मी डैडी पे या भाई बहन पे, बड़े भाई बहन जो होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं, कोई दादा दादी पे डिपेंड होते हैं। खुद का छोटा छोटा काम भी जो होता है खुद से नहीं करते, छोटे छोटे से जो काम होते हैं उनके खुद के वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि वो आएंगे और मुझे करके देंगे। जैसे कि कपड़े चेंज करना या बाल कॉम करना या बेड ठीक करना या उड़ाना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि बच्चे टोटली डिपेंड होते हैं दूसरों पर। लेकिन 11 साल एक उम्र होती है, 11 साल, 11 साल के बाद एक हम खुद पे डिपेंड होना, हम दूसरों पे डिपेंड होना बंद करना चाहिए हमें। ऐसे बच्चे 11 साल के बाद खुद से सीखने की आदत होनी चाहिए, मीन्स सब अपना काम खुद से करने की आदत होनी चाहिए। या तो फिर नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके बाद मैं छोटे छोटे जो मेरे काम है मैं खुद से करूँ। मम्मी खाना तो घर में रेडी रखती है, वो तो आपको पकाना नहीं है, जस्ट लेके खाना है। बच्चे इतना डिपेंड रहते हैं कि मम्मी प्लेट में खाना लाके देगी तो मैं खाऊंगा, जाके खुद से सेल्फ इतना लेते भी नहीं है खाना। उतना तो छोटा काम कर सकते कि आप खुद से जाके अपना खाना ले सकते या अपना बैग खुद से अरेंज कर सके, स्कूल बैग टाइम टेबल वाइज, या अपने कपड़े इस्तरी कर सके या छोटे मोटे जो अपने कपड़े वो धो सके, इतना तो कर सकते हैं आप छोटे काम, जैसे और अपना बेड ठीक कर सके या सोते वक्त ओढ़कर सो जाना, खुद से अपनी ब्लैंकेट ओढ़े। वो भी डिपेंड रहता है कि मम्मी आए और मुझे ब्लैंकेट उड़ाएगी, जब तक वो ओढ़ेंगे भी नहीं वैसे ही सो जाएंगे, या फिर उठने के बाद मम्मी ही अपनी आपकी ब्लैंकेट या आपकी शॉल खड़ी करेंगे, फोल्ड करके वही रखेंगे, या वो भी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो आपको खुद से करने सीखना चाहिए। अभी 11 ईयर्स के बाद के बच्चे, 11 ईयर्स से जो एज होती है वहाँ से बच्चे ये काम खुद से सीख जाते हैं। तो ये जो बच्चे खुद से करते हैं उन्हें डाई किड कहते हैं, डाई किड यानी डू इट योरसेल्फ किड, यानी खुद से काम करने वाले किड, किड यानी बच्चे। तो ये स्टोरी, ये जो चैप्टर है इसमें हम ये बताया जा रहा है कि हमें कौन से ऐसे काम है जो खुद से करने चाहिए अभी 11 साल के बाद या 11 साल से। ऐसे कौन से छोटे काम हैं जो हमें खुद से करने चाहिए? लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू आर वेरी यंग, योर पेरेंट्स और अदर ग्रोन अप्स डिड एवरीथिंग फॉर यू। जब आप छोटे थे, जब आपके पेरेंट्स और आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो सब कुछ आपके लिए करते थे। दे फेड यू, वॉश्ड यू, ड्रेस्ड यू एंड टुक यू अराउंड। वो आपको खाना खिलाते थे, नहलाते थे, आपके कपड़े पहनाते थे और आपको लेके घूमते थे। जब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, जब से लेके 10 साल तक सब आपके लिए दूसरा करते ही है, मीन्स खिलाना, नहलाना, पिलाना, घूमना, घुमाना, बाहर लेके जाके खेलना, सब चीज़ वो पेरेंट्स या बड़े भाई बहन करते ही है। बट थिंग्स मस्ट हैव चेंज सिंस देन। नाउ दैट यू आर नियरली 11, You must have learned to do many things all by yourself. लेकिन अब सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अब जब आप 11 साल के हो गए हैं, कंप्लीट ऑलमोस्ट आप 11 साल के हो गए, लेकिन तो आप अभी खुद से काम करने की आप खुद से सीखना होगा कि आप खुद से करें, आपके खुद के काम आप खुद से करें। Now you are a do it yourself, यानी die kid, right? Here's a list of some things an 11-year-old child should be able to do. And never mind if you can't do some of these things as yet. There's a whole year for you to learn these things. You will enjoy them. Let's begin our count. तो अभी आप जब 11 साल के हो गए तो क्या आप एक डाई किड है? ये आपको सवाल आपके खुद से पूछना है कि आप एक डाई किड है, डू इट योर सेल्फ बच्चे हैं आप।
है या नहीं आपको खुद से पूछना है। इसमें अभी कुछ लिस्ट दिए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको खुद से आप जो करेंगे वो चीजों की एक लिस्ट है, तो आपको खुद से वो सवाल पूछना है कि आप ये सब करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं भी करते हुए तो ये अभी सही टाइम है कि आप सीखना शुरू करें ये सब चीजें करने के लिए। अभी आप सीख सकते हैं, अभी टाइम है, अभी आप ये कोशिश करें तो अभी भी ये सब चीजें सीख सकते हैं। ये पूरा भी आपके पास साल है, 12 साल होने तक आप सीख भी जाएंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा ये सब काम करने में। आपको बहुत मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा कि आप जब खुद से आपका खुद का काम करते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है उसका, आपको खुद से ये सवाल पूछना है, ये जो मैं अभी बोलूंगी आपको खुद से ये सवाल पूछना है और इसके जवाब खुद ही देने हैं कि आप ये कर सकते हैं क्या। फर्स्ट है, कैन यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, कैन यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, क्या आप अपने खुद की पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। पर्सनल हाइजीन यानी आपकी खुद की बॉडी को केयर करना, नहाना, बाल साफ करना, अच्छे कपड़े पहनना, कपड़े चेंज करना, अच्छे से अपने आँख, कान, अपने नीज, अपने एल्बोज सब क्लीन करना, ये आपकी पर्सनल हाइजीन यानी आपकी बॉडी जो क्लीन क्लीन करते हैं। आप खुद से करते हैं या अभी भी डिपेंड है कि मम्मी आके नहलाएगी या डैडी आके नहलाएंगे, अभी भी डिपेंड है दूसरों पे, बड़े भाई बहनों पे है या नहीं। आपको क्या क्या करना चाहिए खुद से देखिए। आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली, मैं अपने नाखून खुद से काटती हूँ। काटते हैं आप, डू यू काटते हैं क्या। आई टेक अ वॉश ऑन माई ओन, अ प्रॉपर वॉश, आई रिमेम्बर टू वॉश बिहाइंड माई ईयर्स, अंडर आर्म्स, एल्बोज, नीज एक्सेट्रा, डू यू। एंड आई यूज इनफ वाटर, नॉट मोर नॉट लेस। तो आपको ये सवाल आपसे पूछना है कि आप नाखून अपने खुद से काटते हैं क्या। नहीं काटते हैं तो अभी आप सीख जाइए। आपको खुद से अच्छे से नहाना होगा, ठीक से प्रॉपर वॉश, अपने कान के पीछे, अपने अंडर आर्म्स में, एल्बोज में, नीज, आपके घुटनों में, कोनी, ये सब अच्छे से लगड़ के। मम्मी भी बोलती होगी आपको अगर आप नहाते होंगे तो कि आपके एल्बोज गंदे हो गए, नीज गंदे हो गए, आपके कान के पीछे, आपके घुटने, कोनी, ये सब अच्छे लगड़ के नहाने, अगर आप सीख रहे होंगे तो ये सब अच्छे लगड़ के नहाने की भी आदत डालनी होगी आपको, सीखना होगा वो भी। एंड आई यूज इनफ वाटर, और पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर नहा रहे तो बच्चों को बहुत आदत होती है कि दो दो तीन तीन बकेट्स बस पानी डालते डालते, नहाना तो कुछ होता नहीं ठीक से, गंदे तो वैसे ही रहते हैं लेकिन पानी बहुत सारा फेंक देते हैं। तो ये भी कोशिश करनी चाहिए आपको कि नहाना है तो एक कम पानी में, यानी लिमिटेड पानी में, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, एक लिमिट पानी में, एक बकेट पानी में या डेढ़ बकेट पानी में काफी है। आप छोटे बच्चों को बहुत हो गया तो उतना लिमिटेड पानी में आपको नहाना है। आई कैन ऑयल एंड कोम माई हेयर एंड कोम माई हेयर ऑन माई ओन, क्या आप अपने बालों को खुद से तेल लगा सकते, क्या आप खुद से कोम करते हैं अपने बाल। पूछिए ये सवाल कि आप अपने बालों को खुद से तेल लगाते हैं और कोम करते हैं। आई कैन वॉश एंड ड्राई माई हेयर ऑन माई ओन, आप जब नहाते हैं तो अपने बाल खुद से आप धोते हैं, खुद से सर पे, सर से नहाते हैं या कोई और नहलाता है, या बाल को सुखाना भी खुद से करते हैं या वो भी कोई और करते हैं। तो आपको ये सब पूछ करना है, अगर आप नहीं करते होंगे तो आपको ये सब सीखना है। क्या क्या सीखना है आपको, अपने नाखून काटना, प्रॉपरली नहाना, अपने नीज, कोनी, कोनी, एल्बो, सब जगह अच्छे से लगड़ के नहाना, खुद से अपने बाल साफ करना या तेल लगाना, बाल को कोम करना, पानी कम यूज करना, अपने बाल खुद से क्लीन करना, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है अगर आप नहीं सीखते हैं अभी, ये आपको अभी नहीं आता हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डू यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स, डू यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स। अब पहले था हमारी बॉडी के बारे में, अब है हमारी क्लोथ्स के बारे में, क्या आप अपने क्लोथ्स खुद से क्लोथ्स का केयर करते हैं, अपने कपड़ों का ख्याल करते हैं। आई कैन इवन वॉश माई ओन क्लोथ्स वेन नेसेसरी, कभी ज़रूरत पड़ने पे, नॉट ऑलवेज लेकिन कभी ज़रूरत पड़ने पे, क्या आप कभी अपने कपड़े धोते हैं, कोई भी एक हाथ, कोई भी ड्रेस या एक छोटा कोई भी हैंडकरचीफ या टॉवेल, जो ज़रूरत हो कि आप कभी धोते हैं उसको।
धोना चाहिए आपको कभी भी जरूरत पड़ने पे, कोई भी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कपड़े आपके कभी धो लेने चाहिए, ताकि आपको आदत हो, थोड़ी थोड़ी आदत होनी चाहिए धोने की खुद से। आई वॉश माई अंडर गार्मेंट्स एवरी डे, आपके अंडर गार्मेंट्स भी आप खुद से धो सकते हैं। आई डोंट स्टैक अप यूज्ड एंड सॉइल्ड क्लोथ्स, आई पुट देम इन द वॉशिंग बकेट ऑन टाइम, आई ब्रश और स्क्रब द स्पॉइल्ड पार्ट्स विथ सोप बिफोर आई एड देम टू द वॉशिंग पाइल। अभी बच्चों बहुत सारे बच्चों को ये आदत होती है कि कपड़े निकाले और कहीं भी फेंक दिए, उल्टे पुट सीधे कैसे भी पड़े रहते, निकाले और कहीं भी फेंक दिए, बेड पे नीचे कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं वो लोग। तो आप लोगों को भी वही आदत है, अभी आप लोग बड़े हो गए, अभी आपको ये आदत नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोग अच्छी आदत सीखो, कपड़े जो भी गंदे हो उतारने के बाद उसे फोल्ड करके वॉशिंग बकेट में डालना है, मीन जहाँ मैले कपड़े रखे जाते हैं वो बकेट में डालना है सीधे करके। और अगर उस पर कोई स्टेन्स हो, कोई धब्बे हो, ऑयली ऑयल के या कोई दूसरे स्टेन के, तो उसे उतना पार्ट उसका रगड़ के धोना है, फिर उसको बकेट में डालना है ताकि वो स्टेन निकल जाए, या तो फिर आप उतना पार्ट उसका रगड़ के उसको धो दो, उसके बाद में फिर वॉशिंग मशीन में डाल दो, तो आपको वो स्टेन दोबारा दिखेगा नहीं। या आपको आदत होगी कि गंदे गंदे कपड़े, गंदा जो ऑयली पार्ट होता है खुद से धोने की। आई कैन हैंग द क्लोथ्स नीटली टू ड्राई ऑन द क्लोथ लाइन। आप बच्चों को कुछ कुछ मशीन में धोने की आदत हो जाए, अगर मशीन में धोने के बाद भी आप वो कपड़े ठीक से सूखने डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक से नहीं तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। अगर कपड़े नीचे गिर गए तो रस्सी पे जब आप कपड़े डालते हो, क्लोथ लाइन यानी रस्सी जो बांधते हैं आप कपड़े सुखाने के लिए, वो डोरी पर जब कपड़े डालते हैं तो आप ठीक से डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी ना कि पूरे खींच के उसके कैसे भी उल्टे हुए या गोला करके, इसे ठीक से स्प्रेड करके प्रॉपरली आपको उस पर डालना बहुत जरूरी है, तो वो आपको जो धोए उसकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, वो फिर से गंदा नहीं होगा ड्रेस। आई कैन फोल्ड ऑल क्लोथ्स नीटली। अब नेक्स्ट काम रहता है कि अगर सूखे जब आज सूख जाते कपड़े, तब उसको निकाल के उसको फोल्ड करके प्रॉपरली आपके शेल्फ में, आपके कबर्ड में रखना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बच्चों को बहुत जान पे आता है, बस निकाले और कैसे भी ठोस दिए अंदर अलमारी में, क्या करना है हमको तो रखना है, हमारे तो कपड़े हैं, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको अभी से ही आदत अगर हुई गंदी ऐसी, तो हमेशा वही रहेगी, पूरी लाइफ टाइम यही गंदी आदतें रहेंगी। तो बच्चों आपको यही एज है, राइट एज है जब आप अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी चीजें सीख सकते हैं। तो जब भी कपड़े धो के जब मम्मी ला कर देती है या आप निकालेंगे ऊपर से रस्सी पे से, उसको अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में प्रॉपरली अरेंज करके रखें, ताकि आपको टाइम पे हमेशा सब चीज़ टाइम पे जल्दी से मिल जाए। उसे निकालते बच्चों को बहुत आदत होती है, निकालते तो कैसे भी खींच के निकाल देते, ताकि बाकी पूरे आसपास के कपड़े भी गिर जाते। निकालते वक्त भी हमें चैन से एक एक जो ड्रेस चाहिए वही आराम से निकालनी चाहिए। रखते वक्त भी हमारा यही काम है कि फोल्ड करके अरेंज करके एक लाइन में, एक सीक्वेंस में, डेली वेयर अलग, बाहर पार्टी वेयर अलग, सब अलग अलग अरेंज करके, जो शॉर्ट्स है वो अलग और टी शर्ट्स एंड ट्रैक्स है वो अलग, ऐसे अरेंज करके रखें, ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो इजीली सब चीज़ मिल जाए टाइम पर। नहीं तो कैसे होता बच्चों, पूरे कबर्ड आपका मेस बना हुआ रहता, पूरा मिक्सचर रहता है, एक भी ड्रेस टाइम पे मिलता नहीं, किसी का शर्ट है तो किसी की पैंट नहीं, किसी का कुर्ता है तो शलवार नहीं, दुपट्टा नहीं, ऐसे होता है। तो इसलिए कभी भी प्रॉपरली अरेंज करके, अगर शर्ट और पैंट एक में एक रख के उसको तो प्रॉपरली अगर आप कबर्ड में रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीज़ वक्त पे जरूरत पड़ने पे टाइम पे जब भी मिल जाएगा। तो ये आदतें आपको अभी से स्टार्ट करनी है, अभी लॉकडाउन है, घर में है, बहुत सारी अच्छी आदतें सीख सकते हैं आप ना। अपना ये टाइम पूरा मोबाइल्स में, टीवी में वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये अच्छी आदतें सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्विम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्विम, क्या आप स्विम कर सकते हैं पानी में। स्विमिंग करना ये भी एक ऐसे बहुत अच्छा स्विमिंग बहुत अच्छा होता है, इससे हेल्थ बहुत बढ़ती है, हेल्थ अच्छी होती है, हाइट बढ़ती है। ये इतना इजी नहीं है, यू हैव टू टेक क्लासेस, आपको क्लासेस ज्वाइन करना होता है तो आप स्विमिंग सीख सकते हैं। अब इसमें भी क्या है, आई कैन स्विम इन अ स्विमिंग पूल, आई कैन स्विम इन अ वेल, आई एम गोइंग टू लर्न फ्री स्टाइल स्विमिंग दिस ईयर।
तो क्या आप स्विमिंग कर सकते हैं ठीक से, प्रॉपरली कर सकते हैं? और या आप उसमें और भी रहते हैं फ्री स्टाइल, अलग अलग होते हैं, तो वो क्या आप सीख रहे हैं? तो आपको टाइम में भी आप चाहे तो सीख सकते हैं। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? आई लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। आई एम लर्निंग टू राइड अ बिगर बाईसाइकिल। आई एम गोइंग टू लर्न इट इन द वेकेशन। तो अब आप छोटी साइकिल, इसमें बता रहा है एक बच्चा है कि ये बोल रहा है कि मुझे 8 साल 8 साल में मैं सीख गया छोटी साइकिल, लेकिन बड़ी साइकिल मुझे अभी सीख रहा हूँ मैं, ये वेकेशन में सीख जाऊँगा। उसी तरह आप लोग को भी आनी चाहिए साइकिल चलाना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। साइकिल से हमारे पैरों के मसल स्ट्रांग होते हैं, जो पैर के जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और हम और ताकत आती है आपके पैरों में कि आप भाग सके, चल सके। तो साइकिलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा होता है। और जब साइकिलिंग आपको करना है तो वो जो साइड व्हील्स होते हैं वो व्हील्स निकाल के, बैलेंसिंग व्हील्स निकाल के पहले आप सीख सकते हैं उस पर, बाद में जैसे ही आप सीख जाए तो वो बैलेंसिंग व्हील निकाले और खुद से ट्राई करें, खुद से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। और आप साइकिल कभी भी अपने हाइट के हिसाब से चलाना, छोटी साइकिल बड़े बच्चे चलाएंगे तो अच्छा नहीं, वैसे आपको और पैर दर्द होंगे। तो आपके हाइट के हिसाब से आपको साइकिल खरीदनी चाहिए और चलानी चाहिए। यू शुड केयर एट लीस्ट वन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन प्लांट। बच्चा प्लांट्स लगाना भी बहुत एक अच्छा होता है, क्योंकि आपको आदत होती है कि कोई एक चीज़, जैसे माँ अपने बच्चों का केयर करती है, उसको कुछ भी हो, उसको भूख लगे, उसको प्यास लगे या उसको गर्मी लगे, तो कैसे वो केयर करती है, वैसे ही आप जब एक प्लांट लगाए तो आपको भी वैसे ही फील होगा कि अगर वो प्लांट छोटा टूट जाएगा या उसको पानी नहीं है तो आप प्रॉपर टाइम पे उसे पानी डालना, उसको धूप नहीं लग रही है तो उसको धूप में रखना, उसको अगर वो टूट रहा है या कुछ खराब हो रहा है तो उसको देखना, या कि कोई कहीं उसको कुछ और प्रेस तो नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कुछ गिर तो नहीं गया। ऐसे आपको आदत हो जाती है कि आप अपने प्लांट्स का केयर करें, तो ऐसी आदत डालिए कि कम से कम एक प्लांट का तो भी आप खुद से ध्यान रखें, खुद से केयर करें, एक तो भी प्लांट लगाएं। महान गेव मी दिस लिटिल प्लांट, आई वाटर इट एवरी डे, आई लूजन द सॉइल अराउंड इट्स रूट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई एड अ लिटिल कंपोस्ट टू इट्स एवरी 2 to 3 months। तो यहाँ पे बताया कि एक उनकी आंटी ने उनको एक प्लांट दिया था, तो वो जिसको एवरीडे पानी डालते हैं, रोज पानी डालते हैं, और उसको सॉइल अगर उसका रूट्स में बहुत टाइट हो गया, सॉइल अगर रूट्स फैलने में प्रॉब्लम हो रही है, रूट्स यानी जड़, प्लांट की जड़ें अगर फैलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो थोड़े सॉइल को लूज करती हैं, और हर 2 से 3 महीने में उसको कंपोस्ट, मतलब उसके उसको उसको दवा दवा या उसको जो खाद होती है वो टाइम टू टाइम डालते हैं, इससे प्लांट जल्दी बढ़ेगा और उस पर कुछ कीड़ा वो भी नहीं लगेगा, अच्छा रहेगा, वो उसको बढ़ने में और आसानी होगी। तो इस तरह आपको भी एक प्लांट लगाना चाहिए घर में और उसका केयर करना चाहिए। कैन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ओकेजन ऑन योर ओन? क्या वो स्पेशल ओकेजन पे आप खुद से ड्रेसअप हो सकते हैं? बहुत सारा ऐसे, बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं जाना है तो बस बैठ जाते हैं, मम्मा क्या पहनना है बताओ, मम्मी क्या पहनना है बताओ, जब तक वो निकाल के देते नहीं है, जब तक वो पहनते नहीं है ना तैयार होते, उनको रहता है कि मम्मी आया ना और रेडी करना, कपड़े निकालना और हमको रेडी करना बस। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, ये आदत छोड़ देनी चाहिए आपको, खुद से कपड़े मम्मी से पूछ लो ये पहनना है क्या, पूछ वो जो भी कहेंगी खुद से जाके निकालो, खुद से रेडी हो, और जो कपड़े निकाले हैं उतारे हैं वो कपड़े फोल्ड करके फिर से वापस अंदर रखो, आप रेडी खुद से हो अच्छे से, और पूछो मम्मी से अच्छी लग रही है या नहीं, खुद से बाल कॉम करो, खुद से शूज पहनो, सॉक्स पहनो, खुद से बाल सब चीज़ अच्छे आयन करने की कोशिश करो, आयन नहीं हुआ तो मम्मी को बोलो या तो चटके लगा लेंगे। लेकिन छोटे छोटे कपड़े आप ट्राई कर सकते हैं आयन करने के लिए, घर के कपड़े कॉटन के जो सिंपल कपड़े होते हैं पहले उससे ट्राई करो, स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा आयरन करने की कोशिश करो, फिर बाद में बाहर के कपड़े करो, नहीं तो चला देंगे, बोलेंगे मम्मी मैम ने बोला था कि आयरन करो और हमने करे और चिपका दिए, पूरे कपड़े जला दिए। तो इसलिए कभी भी
स्टार्ट कर रहे हैं आयरनिंग करना सीखना है, तो घर के जो सिंपल कपड़े जो ज़्यादा नए नहीं हो, थोड़े पुराने हो, वो कपड़ों से स्टार्ट करिए, आयरन करना सीखिए, फिर वो आयरन करके पहनने की कोशिश करिए। उससे आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी कौन से लेवल पे आयरन को रखना है, कौन सा उसका स्टीम कैसे रखना है, उसको कैसे लेवल पे रख के आयरन करना है। और उसके बाद कहीं भी जाना हो तो खुद से तैयार होने की कोशिश करना चाहिए। व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड सेकेंड माय फादर हेल्प मी, बट नाउ आई कैन ड्रेस अप ऑन माय ओन एवरी इवन फॉर अ स्पेशल ओकेजन। तो आप जब तक छोटे हैं आप तक जब तक तैयार हो सकते तैयार कर देंगे मम्मा, अब आप बड़े हैं तो आपको खुद से तैयार होना है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि बच्चा, मैं जब छोटा था सेकेंड स्टैंडर्ड में, जब तक मम्मा मेरे फादर मुझे तैयार करते थे, लेकिन अब मैं खुद से तैयार होता हूँ कोई भी स्पेशल ओकेजन पर भी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली। कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली। ओरल मैसेज यानी मुंह से बोले हुए कोई भी मैसेज है, जैसे कि पापा ने कहा जल्दी आ जाओ। अब एक सिंपल मैसेज है कि पापा ने कहा जल्दी घर आ जाओ, तो अभी सिंपल मैसेज, कभी कभी बच्चों को आदत होती है कि कोई भी एक मैसेज ठीक से नहीं पहुंचाते, जहाँ पे जिसको भी बोला जाता है कि बोल दो तो वो ठीक से नहीं पहुंचाते उधर मैसेज, कुछ भी गलत बोल देंगे या आधा बोलेंगे आधा नहीं बोलेंगे। तो आपको क्या आदत होनी चाहिए कि कोई भी छोटी छोटी बातें या कोई भी मैसेजेस हो तो उसे जाके करेक्टली बोले। राइट अ रिसेंट मैसेज दैट यू पास्ड ऑन एट होम। अब आप ऐसा करिए कि कोई भी एक रिसेंट मैसेज जो आप कभी ऐसे पहुंचाए हो या किसी को बोले हो, जैसे घर पे, स्कूल में या फ्रेंड्स के बीच, वो आप लिखिए और देखिए कि आपने ठीक से पहुंचाए या नहीं। ये एक एक्टिविटी दी है कि आप खुद से वैसे लिख सकते हैं कि आपने घर पे कभी कोई मैसेज किसी को पहुंचाया, किसी को बोला है स्कूल में या फ्रेंड्स में। आप अपनी उर्दू लैंग्वेज में, अपनी ओन लैंग्वेज मदर टंग में लिख सकते हैं कोई भी ऐसा मैसेज, सपने मम्मी ने बोला था भाई को कि ये बोलने का है, या किसी ने डैडी ने बोला था कि मम्मी को ये बोलो, कोई भी मैसेज। कोई कभी फ़ोन कॉल आते हैं और बोलते हैं, मैसेज दे देते कि जस्ट ये बोल दो उनको, मैं आ रहा हूँ, बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ या गेस्ट को लेकर आ रहा हूँ, ऐसे कोई मैसेजेस होते हैं। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपरली नहीं पहुंचाते, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। प्रॉपरली मैसेजेस नहीं देने से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी भी गलत अगर मैसेज पहुंच गया किसी को तो उससे कोई भी प्रॉब्लम में फंस सकता है, कोई भी प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए जब कोई भी मैसेज कोई दे बोलने के लिए, उसको टाइम पे, कभी बच्चे क्या करते हैं अपने खेलने में भूल जाते हैं, अरे मैं तो भूल गया था, मुझे याद ही नहीं रहा, अरे मैं तो बिजी हो गया। इसलिए कोई भी कुछ कहे तो यू शुड से दैट मैसेज प्रॉपरली ऑन प्रॉपर टाइम। ओके, नेक्स्ट है, यू मस्ट नो हाउ टू स्यू। स्यू मनी यानी सीना, कि आपको आना चाहिए कि कैसे कपड़े सीते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू स्यू यानी आपको आने चाहिए कि कैसे कपड़े सीते हैं। यहाँ पे कुछ ये बुक में कुछ बताए हैं कैसे सीए जाते हैं, कुछ स्ट्रोक्स बताए हैं किस तरह से कपड़े सीना है। अगर आप छोटे कोई भी आपके हैंडकरचीफ से, छोटे से कोई भी बेडशीट, छोटा जो ज़्यादा काम में ना आता हो उसे लेके आप अगर सीए तो थोड़ी आदत हो सकती है आपको, धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि कैसे सीते हैं। फर्स्ट है, आई कैन थ्रेड अ नीडल। सबसे पहले हमको सीना है कपड़े तो क्या आना चाहिए, एक सुई में धागा पुराना, सुई में धागा पुराना इज नॉट सो इजी, वो आना चाहिए। उसके बाद आई पुट अ नॉट इन द थ्रेड व्हेन आई स्ट्रिंग फ्लावर्स और बीड्स इन इट। उसके बाद मैं उसको धागे को गांठ मारना मुश्किल होता है, बच्चों को आता नहीं है, तो एक छोटा सा नॉट मारना पड़ता है ताकि वो आगे स्टिच होने में इजी हो, वहाँ पे रुक जाए धागा, वहीं रुक जाए। तो कभी बच्चों को आदत होती है कि फ्लावर्स या बीड्स पुरोते हैं धागे में, तो उसको गांठ बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो गिर जाते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब आप फ्लावर्स या बीड्स पुरोते हैं धागे में तो उसको नॉट बनना ज़रूरी होता है। आई कैन मेक दीज स्टिचेस, रनिंग स्टिच एंड बैक स्टिच। अब उसमें स्टिचेस भी अलग अलग होते हैं, सीधे सामने रनिंग एक साथ स्टिच या बैक पीछे जाना बैक स्टिच। आई कैन ऑल्सो
ऑल्सो हेम द बॉर्डर, बॉर्डर्स को सीना, बॉर्डर्स बहुत सारे बेडशीट्स या शॉल उनके होते हैं कि बॉर्डर्स खुले होते हैं तो उसको भी सीना आना चाहिए आपको. आई कैन सी अ टियर इन माई क्लोज, आई कैन इवन सी अ बटन, देर इज अ स्टिच कॉल बटन होल स्टिच. वंस आई मेड अ हैंडकरचीफ बाय सीविंग द एजेस ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ्स. अब आप चाहे तो अगर एक छोटी सी हैंडकरचीफ भी बना सकते हैं, एक छोटे से कपड़ा लो, एक छोटा सा स्क्वायर शेप में कट करो उसको, जैसे हैंडकरचीफ होता है उस शेप में कट करके उसको उसके कॉर्नर्स पूरे फोल्ड करके सी दो. कॉर्नर्स अगर सी देंगे उसकी तो बन जाएगी एक हैंडकरचीफ. इसी तरह आपको बटन्स टाटने आने चाहिए, उसके बटन्स के होल बनाने. अब घर में तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं. कभी भी आपका कोई भी ड्रेस या कुछ भी कपड़े फट जाए या खुल जाए तो उसको आप उतना छोटा सा सी सकते हैं. मीन्स वेट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी आएगी और वो स्टिच करके देगी तो फिर मैं पहनूंगा या पहनूंगी. थोड़ा आप खुद से सीख सकते हैं. नेक्स्ट है, I love to help in kitchen. इससे पहले हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें आने चाहिए. सबसे पहले है हमारे खुद की बॉडी, पर्सनल हाइजीन, खुद की बॉडी का ख्याल करना, जैसे कि अच्छे से नहाना, प्रॉपरली नहाना, बॉडी को सब जगह, बॉडी के सब पार्ट्स अच्छे रगड़ के नहाना, और बाल कोम करना, बाल क्लीन करना पहले फिर कोम करना, नेल्स कट करना, फिर बाल को ड्राई करना, और नेक्स्ट है अपने कपड़ों का ख्याल करना, कपड़े अच्छे से जब उतारे मैले कपड़े तो ठीक से अपने बास्केट में डालें, मैले कपड़ों की बास्केट जो होती है वो बास्केट में डालें, उसको वॉश करें ठीक से, उसके जो स्टेन्स होते हैं ऑयली स्टेन्स उसको ब्रश करके, उसको स्क्रब करके उसको फिर वॉश करें, सोप से रगड़ के उसको धोए, फिर वॉश करके फिर उसको सूखने के लिए रस्सी पे डालें, फिर सूखने के बाद उसे निकाल के फोल्ड करके अपने अलमारी में रखें. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काम आपको आना चाहिए. नेक्स्ट है आप स्विमिंग सीख सकते हैं, साइकिलिंग सीख सकते हैं, और फिर शुड प्लांटिंग कर सकते हैं, घर में एक छोटा प्लांट लगा सकते हैं, और खुद से कहीं जाना हो कोई भी पार्टी या दावत में तो खुद से तैयार होने की भी आपको आदत होनी चाहिए, खुद से ड्रेसअप होना चाहिए, खुद से रेडी होना चाहिए. और कोई आए अगर ज़्यादातर पार्टीज में या कहीं दावत में जाते हैं तो आप जब मिलते हैं लोगों से तो बहुत मैनर्स से मिलना चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए. कुछ लोग ठीक से सलाम भी नहीं करते, ठीक से उनको मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, बस अपने अपने में अपन अपने फ्रेंड्स में रहते हैं. आपका काम है कि जो आप अपने होते जो मिलते हैं बहुत दिनों के बाद तो आप उनको सबको मिलना चाहिए, उनको ग्रीट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए ठीक से. तो आपका ऐसे समझ में आता है कि बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मैनरफुल बच्चा है, उससे आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है कि आप अच्छे मिलते हैं, अच्छे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं किसी से, तो आराम से बात करनी चाहिए, सॉफ्टली, चिल्ला चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी भी सॉफ्टली बात करना चाहिए. बड़ों से जब बात करते हैं तो सॉफ्टली बात करना चाहिए आपको. इसके अलावा ये भी है कि आपको जब कोई मैसेज दिया जाता है किसी को बोलने के लिए तो ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप उसे बराबर प्रॉपरली करेक्टली बोले, दूसरों तक पहुँचा दें मैसेज करेक्टली बोले. और दूसरा जो सीख सकते हैं आप वो है स्विंग, स्विंग यानी कपड़े सीना, वो भी थोड़ा आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकते हैं कि छोटे छोटे जहाँ पे खुल फट जाता है आपकी कोई ड्रेस या खुल जाता है, स्टिचेस उधर जाते हैं तो वो आप सी सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वो आप सीए. इसके बाद बच्चों आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी आनी चाहिए जो आप उससे आपकी मम्मी को हेल्प हो जाती है, जैसे आई लव टू हेल्प इन द किचन. क्या आपको किचन में हेल्प करना मम्मी को पसंद है? बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है ये चीज़, बहुत सारे बच्चों को पसंद होती है, लड़का हो या लड़की हो उनको पसंद होता है कि मम्मी को जाके हेल्प करना. उसी तरह अगर आपको वॉश करना चाहिए फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स, आई कैन क्लीन और वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आप क्या आप क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को. आई कैन पील कुकुम्बर, कुकुम्बर को पील करना, पील यानी
उसके ऊपर का जो छिलका है वो निकालने आना चाहिए आपको। ये सीख सकते हैं आप, ये छोटे काम है जो इजीली कर सकते हैं आप। आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग ग्रेन्स एंड सीरियल्स, आई लाइक स्वीपिंग ग्रेन्स और फ्लावर। अब ये जब मम्मी चावल दाल ऐसे जो चीज़ें धोती है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं धोने में, उनको आराम से धोने में आप हेल्प कर सकते हैं मम्मी को। और चाहे तो ये स्टिफिंग यानी छन्नी करना, ये ग्रेन्स या आटा या गेहूँ चावल छन्नी करने में आप हेल्प कर सकते हैं, उसको सिफ्टिंग कहते हैं, सिफ्टिंग। तो वो भी आप बच्चों को बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट है आई एम गुड एट स्लाइसिंग कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यू कैन लर्न हाउ टू डू कटिंग स्लाइसिंग चॉपिंग। आप ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कट करना या छोटे छोटे पीसेस में चॉप करना या उसको स्लाइस करना बड़े बड़े ऐसे सीख सकते ही आप। आई लव टू शेल एंड ईट पास एंड ग्रीन पीस एंड ग्रीन ग्राम, आई कैन शेल बीन्स एंड पीनट्स। अभी जो ग्रीन पीस होते हैं या मूंगफली होती है, जो पीनट्स होते हैं उसको उसके शेल में से उसको निकालने में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ग्रीन पीस का छिलका निकाल के उसमें से ग्रीन पीस निकाल के साइड में करना, छिलके अलग और वो ऐसे, ये भी बहुत इजी काम होता है और बच्चों को पसंद आता है। यू कैन डू दैट ऑल्सो। आई कैन प्रिपेयर अ फ्यू सिंपल डिशेस, सैलड्स, पीनट्स, लड्डू। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे कर सकते हैं, सैलड बनाना, कुछ सिंपल डिशेस होते हैं वो बनाना, या लड्डू बनाना, या हल्दी भून लेना, कुछ भी चाय बनाना, या कोई चीज़ बना रही होंगी मम्मी तो उसके लड्डू बना लेना, या कुछ भी कट करके छोटे में जो सैलड्स बना सकते हैं, टमाटर, खीरा और ऑनियन, ये सब काट के एक सैलड बना लो, छोटा सा डिश, ऐसे छोटे छोटे डिशेस यू कैन मेक, यू कैन ट्राई टू मेक। इट्स फन टू चर्न एट द एंड यू गेट बटर मिल्क। दही को भी आप उसको फेंट के छाछ बना सकते हैं, दही को भी फोड़ के छाछ बना सकते हैं या बटर मिल्क बना सकते हैं। तो इट्स नॉट सो ईजी टू मेक अ डो एंड रोल आउट पूरीज और चपातीज। अभी डिफिकल्ट काम यह है कि आप आटा गूंदना बहुत डिफिकल्ट काम है, ये बच्चों को इतना इजीली नहीं आता चपाती बनाने या पूरी बनाने, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। आटा गूंदना फिर भी मुश्किल है, लेकिन पूरी बनाना, चपाती बनाना इज ईजी, यू कैन ट्राई दैट। ओके, घर बैठे बैठे ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं करने की। नेक्स्ट है डू आंसर द फोन पोलाइटली इन मराठी, इन उर्दू और इंग्लिश एंड टेक डाउन अ मैसेज व्हेन नेसेसरी। अब कभी कभी क्या होता है, फ़ोन आता है और मम्मी या डैडी घर में नहीं होते, होता है कि वो जो बोलते हैं इम्पोर्टेंट कोई मैसेज है वो सुन के उनको प्रॉपरली वापस उनको मम्मी और डैडी आने के बाद उनको बोल दे, प्रॉपरली उनके पास वो मैसेज पहुंचा दे। तो एक यहाँ पे है ये है एक्ट, वहाँ पे एक लड़का बोल रहा है, उसने फोन रिंग हुआ, फोन उसने पिक किया, अभी बोल रहा है हेलो आंटी, दिस इज बिट्टू, मदर्स नॉट एट होम, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर अर। तो पूछ रहा है हेलो आंटी, मैं बिट्टू हूँ, मम्मी घर पर नहीं है, क्या कोई मैसेज है आप उनके लिए आपके पास। तो वो जवाब देती है हेलो, या तो ऐसे बोल सकते हैं आप, या तो फिर जो भी जवाब देगा वो फिर आपको दे देगी। इस तरह से जब आप बात करेंगे तो वो जब सुनेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा कि इतना रिस्पेक्टफुली और इतने अच्छे से बात करता है ये बच्चा या बच्ची। तो आपको ऐसे बात करना चाहिए, या कोई आदमी है तो क्या कहेंगे, हेलो अंकल, हाउ आर यू, आई एम गिविंग द फोन टू ग्रैंडपा, ओके, देन सी यू बाय। तो वो ऐसे भी बात कर सकते हैं आप, कैसे हैं आप, कभी भी फ़ोन किए तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं आप, मैं फ़ोन दे रहा हूँ आंटी को। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते जो उठाते हैं सीधा हाँ एक मिनट दे रहा हूँ बोल के दे देते हैं, ना उनको हेलो बोलते हैं, ना हाय बोलते हैं, ना सलाम, ना कुछ उनको हालचाल पूछते, कोई भी चाहे अपने भी क्यों ना हो बस उठाते हाँ एक मिनट दे रहा हूँ बोल के दे देते, ना बात करते ठीक से, ना उनको कुछ पूछते हैं, ना बोलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, फ़ोन पे भी समझ आता है कि सामने बच्चे कैसे हैं, कितने इल मैनर्ड है या कितने मैनर्स वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये सामने जो बात करने वाले उसको समझ आ जाता है कि
कैसे बदतमीज बच्चे हैं, ठीक से बात भी नहीं करते, ठीक से पूछते भी नहीं कौन है, चिल्ला चिल्ला के पूछते कौन है, कौन बोल रहे हैं, क्या काम है, ऐसे बात करते हैं। तो दिस इज नॉट गुड। आपको फ़ोन पर भी अच्छे से बात करनी चाहिए, पोलाइटली बड़े रहे तो उनको सलाम आदाब करना चाहिए, उनको उनके खैर खैरियत पूछना चाहिए, फिर बात करना चाहिए, फिर आगे मम्मी को देना चाहिए क्या काम है वो भी। अगर कोई मैसेज हो तो प्रॉपरली सुनकर उनको सही मैसेज सही लोगों को पहुंचाना चाहिए। नाउ यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी अब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप कंज्यूमर हो, मीन्स कस्टमर, सपोज आप खरीद रहे हैं, खरीदार, कंज्यूमर यानी खरीदार। तो उसमें आप उसको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले याद रखनी चाहिए और देखनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या खरीदते वक्त। आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग। तो यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर। तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग, खरीदने से पहले कोई भी प्रोडक्ट को चेक करना चाहिए कि वो सही है, ठीक है या नहीं, टूटा हुआ है या फटा हुआ है या कोई डैमेज पीस है, ख़राब है, खाने की चीज़ें तो अच्छी है या ख़राब हो गई, ये बहुत पुरानी है, ऐसे चेक करके हमें लेना चाहिए कभी भी, चाहे वो छोटी सी छोटी हो या बड़ी सी बड़ी चीज़ क्यों ना ले रहे हो आप, उसे चेक करके लेना ज़रूरी है। आई मेक श्योर दैट द प्राइस इज राइट, और वो जो प्राइस बोलता है हम जो कभी भी पूछते हैं तो वो प्राइस जो बोलता है वो सेम प्राइस उसके ऊपर है, वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके ऊपर भी सेम है या नहीं वो भी चेक करना है आपको। आई ऑलवेज पे द राइट अमाउंट, जो अमाउंट बोला है वो उसको राइट अमाउंट आपको पे करना है, कम ज़्यादा भी पे करना नहीं है। आई डू मेंटल अरिथमेटिक और सिंपल कैलकुलेशन बिफोर आई पे द शॉपकीपर, दैट इज़ व्हाई आई एम एबल टू कलेक्ट द करेक्ट चेंज। अब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो जब ज़रूरी नहीं है कि जितना उसका प्राइस हो आपके पास वो एग्जैक्ट इतने में पैसे हो, कभी कम ज़्यादा भी होते हैं। सपोज़ अब ज़्यादा है कोई भी चीज़, सपोज़ आपने 1500 की कोई चीज़ ली 1500 की, लेकिन आपके पास है नोट 2000 की, तो आप जब 2000 रुपये देंगे तो उसकी प्रॉपर चेंज कितने आएंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। ओरली मेंटली आप जल्दी से आप वहाँ कमें तुरंत कैलकुलेट करके आपको याद रखना है कि अब आपको इतने पैसे वापस लेने हैं, या कि जो उसने दे दिए वो ले लिए, कम दे दिए तो भी ले लिए, ज़्यादा दे दिए तो भी ले लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वहीं दैट टाइम ओनली यू हैव टू कैलकुलेट कि कितना पैसा मुझे वापस चेंज लेना है या कितने पैसे उनको गिन के देने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास चेंज होता है ज़्यादा तो हमें वो गिन के प्रॉपरली देना भी ज़रूरी है। आई कैरी द मनी सेफली एंड केयरफुली, मैं आप जो कभी भी मनी आपके पास कैरी करते हैं, मम्मी देते हैं या ये लाने कुछ लाने के लिए या डैडी देते हैं कुछ खरीद के लाने के लिए, तो आपका काम है कि आप उसको प्रॉपरली सेफली अपने पास रखें, कैरी करके ठीक से पैंट में या पॉकेट में या कोई पर्स में ठीक से उसको केयर करके लेकर जाए और खरीद के सामान लेकर आए। आई रिमेम्बर टू टेक प्रॉपर कंटेनर्स। अब अभी ऐसा है कि ज़्यादातर पॉलीथीन से कैरी बैग नहीं मिल रहे, तो आपका काम है कि आप कुछ भी हो वो लेके जाए और ठीक से प्रॉपरली लेकर आए, चाहे वो कैरी बैग हो या कोई बॉक्स हो, लाते वक्त भी जब सामान लाएंगे तो उसको ठीक से प्रॉपरली उठा के लेके आना है, ना कि गिरा के तोड़ के फोड़ के उसके अंदर का सब खत्म करके नहीं लाना है, उसको चैन से हाथ में पकड़ के, अगर नहीं हो रहा तो आपके कोई बैग होगा तो बैग में लेके जाए, उसको बैग में रख के प्रॉपरली लेके आना है। अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, अभी इतना है कि प्लास्टिक बैग बंद करने का बोले, क्योंकि प्लास्टिक बैग इज़ नॉट गुड फॉर अर्थ, हमारा जो अर्थ है उसके लिए प्लास्टिक बैग्स बहुत हार्मफुल हो गए, इसलिए प्लास्टिक बैग जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों एक कंज्यूमर, अच्छा कंज्यूमर उसे कहते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट जब ले रहा हो तो उससे पहले वो चेक करे कि वो अच्छा है या नहीं, नया है या पुराना है, गंदा है या सड़ा हुआ है कोई खाने की चीज़, या टूटा हुआ है कोई ब्रेकन है या डैमेज पीस है। कपड़े भी लो तो देख के चेक करके लो कि कहीं से फटे तो नहीं है या कहीं पे कुछ स्टेन तो नहीं है, कोई कलर तो नहीं है,
ऐसे चेक करके लेना चाहिए आपको, और उसके प्राइस चेक करना चाहिए, उसके प्राइस टैग देखना चाहिए कि वो जो प्राइस बोल रहा है वो सही है या नहीं, उसको राइट अमाउंट पे करने चाहिए। जब भी पे कर रहे हो तो उसका कैलकुलेशन करके ठीक से गिन के पैसे देने चाहिए, और लेते वक्त भी आपको कैलकुलेट करके सही अमाउंट लेनी चाहिए। चेंज जब लेंगे तो करेक्ट चेंज लेना है। फिर जब मनी लेके जाएंगे घर पर भी, वापस अगर लेके गए चेंज, तो उसे भी प्रॉपरली सेफली लेके जाना है, और जब शॉप पे जाएंगे जब, तो सेफली लेकर जाना है और सेफली लेकर आना है पैसे भी। और आप जो भी सामान खरीदेंगे, चाहे वो नाजुक हो, कभी कभी ऐसा होती है कोई नाजुक चीज़ें होती है, अंडे हो या कोई भी कोई ग्लास की कोई चीज़ हो कांच की, वो लेके जाते हैं तो लाने में रास्ते में बीच में बच्चे फोड़ देते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए उसे। प्रॉपरली आपको कोई भी बैग में या कंटेनर में ठीक से लेके जाए और ठीक से लेकर आना है घर से, या फिर शॉप से जब लाएंगे तो चैन से आराम से लेके आना है, केयरफुली, एकदम सेफली और केयरफुली। और आपको प्लास्टिक बैग जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करिए। ओके, समझ आया आपको? तो ट्राई टू बी अ डाई किड, डाई किड बनने की कोशिश करिए। डाई यानी डू इट योर सेल्फ किड, वैसा बच्चा बनने की कोशिश करिए जो खुद से हर काम कर सकता है, अपने खुद के काम, दूसरों के ज्यादा नहीं तो नहीं, कम से कम अपने खुद के काम खुद करिए। चाहे वो छोटे घर के ब्रश करना, अपना खुद का ब्रश करना, क्लीनिंग, अपना खुद की बॉडी क्लीन करना, कपड़े खड़ी करके ठीक से रखना, बुक्स जगह पे अरेंज करके रखना, बैग अरेंज करके रखना, अपने सब जितने सामान है सब जगह पे रखना। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है वो इधर फेंक दिए, निकाला वो निकाला, उधर फेंक दिए ये निकाला, उधर फेंक दिए, सब घर को मैस बना के रखते हैं। जो चीज़ जहाँ से लेते हैं वहाँ पे वापस वो चीज़ रखने की आदत डालनी होगी, हमें ये आदत होनी चाहिए। अभी अगर नहीं होगी तो हमेशा फॉर एवर लाइफ तक आप ऐसे ही रहोगे गंदे, जहाँ जो फेंकने की आदत है वो हमेशा ही रहेगी, कपड़े गंदे फेंकने की आदत है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो यही राइट एज है आपकी ये सब चीज़ें सीखने की, अपनी खुद की चीज़ सब चीज़ जगह पे प्रॉपरली अरेंज करके होनी चाहिए। घर में भी जो भी चीज़ निकालते हो आप, कोई भी चीज़ जो यूज़ करते हो उसको फिर से वापस यूज़ करने के बाद वापस जगह पे रखने की आदत होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बी अ डाई किड। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किचन में मम्मी को हेल्प करना या कुछ भी ला कर देना बाहर से कोई भी चीज़, या ऐसे भी आप ये छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं टू बिकम अ गुड चाइल्ड एंड अ हेल्पिंग चाइल्ड, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। आपको एक अगर अच्छा बच्चा, गुड बॉय बनना है या गुड गर्ल बनना है, तो आप ये सब चीज़ें घर में ज़रूर सीखें और इसकी सब चीज़ों की आदत ज़रूर डालें। देन ओनली यू कैन बी अ गुड चाइल्ड, गुड गुड एक अच्छे मम्मी मम्मी का अच्छा बच्चा बन सकते हैं, अच्छी बच्ची बन सकते हैं, कैन बी अ गुड चाइल्ड। ओके, रिमेंबर दीज थिंग्स एंड ट्राई टू फॉलो ऑल्सो, खाली पढ़ लिए सुन लिए और छोड़ दिए ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें अमल कर रहे हो, इसको करने की कोशिश करो, आदत डालो, सीखने की कोशिश करो। ओके ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।